खबर चुनार से है। क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम जनपद चुनार मिर्जापुर टीवी 6 मरीजों को डॉक्टरों के द्वारा लिया गया गोद। चुनार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टरों द्वारा गोद लिया गया टीबी मरीजों को। टीबी क्या है इसके विषय में डॉक्टरों द्वारा बताया गया, इससे कैसे बचा जा सके इसके विषय में भी बताया गया। जिन लोगों को डॉक्टर ने गोद लिया उन डॉक्टरों के नाम डॉक्टर संजीव द्विवेदी MDTC स्वास्थ्य केंद्र चुनार, डॉक्टर राकेश पटेल MDIC स्वास्थ्य केंद्र चुनार, डॉक्टर मोहम्मद जमील अहमद चिकित्सा अधिकारी CSC चुनार, डॉक्टर अनिल कुमार ओझा CSC चुनार, डॉक्टर अनूप मोहनदास आयुष चिकित्सा अधिकारी CSC चुनार, डॉक्टर स्वनीस सिंह महिला रोग विशेषज्ञ CSC चुनार, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह चिकित्सा अधिकारी CSC चुनार, इन सभी डॉक्टरों के द्वारा टीबी मरीजों को गोद लिया गया। टीबी यूनिट के डॉक्टर वहां उपस्थित रहे जिनके नाम डॉक्टर इफ्तखार अहमद STS, अखिलेश कुमार यादव STLS, डॉक्टर सुदीप सिंह MDIC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चुनार तथा काफ़ी संख्या में वहाँ लोग उपस्थित रहे। चुनार से सुनील कुमार कुशवाहा की रिपोर्ट। यहाँ के डॉक्टर चुनार PSC के डॉक्टर सभी लोग बोल रहे हैं पेशेंटों को, और आप लोग भी जो मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं कि भाई, और इसमें आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो भी जनप्रतिनिधि या कोई भी सम्मानित व्यक्ति किसी भी चीज पेशेंट को गोद देना चाहता है तो वो दोनों अस्पतालों में से कहीं भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हालांकि हम उनसे खुद कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी कोई टीबी के पेशेंटों को गोद देना चाहता है वो आगे बढ़ के लिए और समाज में अपनी सहभागिता को बढ़ाए। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? टीबी के बारे में ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज है जो हर फर्द को प्रभावित करता है। जैसे एक कहावत है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी, तो इट्स अफेक्ट द ऑल ऑर्गन्स, इट अफेक्ट द ब्रेन, इट्स अफेक्ट द आई, इट्स अफेक्ट द एब्डोमेन, इट्स अफेक्ट द बोन। पेशेंट बिकम डिसेबल्ड व्हेन देयर इज द पॉट स्पाइन, तो वी हैव टू try to develop, protect against the MDR-TB. If we treat the patient in the time, 100% we can prevent to go the patient in the MDR, or maximum deaths are reported in the MDR cases when the patient becomes rifampicin and isoniazid resistance. If we detect early, diagnose early, treat early, then we can achieve the goal, treat TB and beat TB. So we have all try our best to diagnose first, treat first, and to prevent the development of the MDR. Because MDR treatment is more expensive, least effective, and toxic treatment. There are the more side effects. If we detect MDR cases early, then the treatment will be the 2 years and patient recovers. But when diagnosed later, there will be more complication. Patient will become bedridden, ultimately death is secure. But if we will treat in time, there will be no MDR and we are trying for that. Thank you, sir. ये सारी टीम हमारी, और एक छोटा सा कार्यक्रम हम लोगों ने इसीलिए रखा ताकि समाज में एक संदेश जाए कि ऐसे मरीजों को आपके सहयोग की आवश्यकता है। सरकार अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रही है। ये भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में लगभग सबसे बड़ा संक्रामक रोग है, जिससे कि सबसे ज़्यादा मौतें आज भी हो रही हैं। अगर आप कोविड को हटा दें तो उसके बाद टीबी ही है जिससे दुनिया में सबसे ज़्यादा एक संक्रामक बीमारी के चलते अगर मौतें होती हैं तो टीबी से ही होती है। तो इसके ऊपर काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है, समाज को जागरूक करने की ज़रूरत है, और इसी क्रम में हम लोग एक यहाँ से संदेश देना चाहते हैं कि आगे आइए टीबी मरीज को अडॉप्ट। इनके लक्षण क्या होते हैं, लक्षणों से आप पता करते होंगे? टीबी जो है शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है, जहाँ भी खून का प्रवाह होता है शरीर में, ऐसा कोई भी अंग नहीं है सिवाय नाखून और बाल के जहाँ पे टीबी ना हो सके। तो टीबी किसी भी अंग में हो सकती है। मेनली जो है फेफड़ों का संक्रमण होता है टीबी में, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस उसको हम लोग बोलते हैं। 85-90% जो केसेस हैं वो पल्मोनरी फेफड़े वाले संक्रमण के टीबी में, पर हमारी सबसे ज़्यादा चिंता भी उसी प्रकार की टीबी को लेकर है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शस होता है। जब वो मरीज खांसता है
तो उसके ड्रॉपलेट्स जो निकलते हैं खांसी, उससे बीमारी और ज़्यादा फैलती है। तो सबसे ज़्यादा हमारा ध्यान है कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के केसेस कम किए जाएं, उसके बारे में जानकारी लोगों को ज़्यादा रहे, खांसी में कैसे अपना बचाव करना है, कैसे मुंह को ढक कर खांसना है उस मरीज में जिसको टीबी है। कम से कम इतना भी हम लोग संदेश दे पाएं समाज में तो काफ़ी हद तक टीबी कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। सामान्यतः खांसी, वजन कम होना, भूख न लगना, बुखार, जो कि ज़्यादा मरीज आपको शाम को या रात के समय में वो कंप्लेन करता है कि उसको बुखार है, कभी कभी बिना कारण ज़्यादा पसीना आना भी हो सकता है, और जिस अंग की टीबी है उस अंग से संबंधित लक्षण, जैसे अगर पेट की टीबी किसी को है तो इन सब लक्षणों के साथ पेट का दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकता है। अगर मस्तिष्क की टीबी है तो उसका जो मरीज जो है उसका कॉन्शियसनेस है वो गड़बड़ा सकता है, और भी तरह के लक्षण हो सकते हैं जो मस्तिष्क से संबंधित हैं। तो कई प्रकार के लक्षण हैं, लेकिन सामान्यतः वही खांसी, वजन कम होना, भूख न लगना, कभी कभी सीने में दर्द हो सकता है किसी मरीज को, पसीने आ सकते हैं, इस तरह के लक्षण सामान्य हैं जिनको अगर आप पहचान लें तो समय से इसका इलाज हो सकता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर। आपका क्या नाम है सर? इफ्तिखार अहमद, STS TU चुनार। सर, आज जो यहाँ पे कार्यक्रम रखाया गया है, जो मरीजों को गोद, टीबी मरीजों को गोद लिया जा रहा है, उसके बारे में दो शब्द कहेंगे सर? 24 दिवस टीबी दिवस मनाया गया है, जिसके उपक्ष में हम लोग 6 बच्चों को गोद लिया जा रहा है। चलिए ठीक है सर, 2025 तक टीबी को मुक्त करना है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उनके पुष्टाहार से संबंधित जो भी टीबी मरीज हैं, आप इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि जिसको भी टीबी होता है, जिन सामान्यतः किसी गरीब परिवार में ही टीबी की ज़्यादा केसेस आते हैं, जी हाँ, तो अगर 4-6 लोगों का परिवार है, अगर तो उसके मुखिया को टीबी हो जाता है तो निश्चित रूप से उनकी आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब है और ज़्यादा खराब हो जाती है, उनका कोई आय का स्रोत नहीं होता। सरकार उनको 500 रुपये हर महीने भरण पोषण के लिए देती है, लेकिन शायद आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत काफ़ी नहीं है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वयंसेवी संस्थाएं, लोग, सरकारी अधिकारी कर्मचारी इसमें आगे आएं और आकर के एक टीबी मरीज को गोद लें कि उसके पोषण का, भरण का, हर महीने जो सामग्री है खान पान की उसको हम लोग उसके घर तक पहुँचाएँ, ताकि वो कम से कम अपना सारी जिम्मेदारियाँ मतलब उठाएं। हाँ नहीं, पोषण से संबंधित जिम्मेदारी, खान पान से संबंधित जिम्मेदारी, उसके लिए उसको कुछ सहायता हो जाए ताकि उसको इलाज में और रिकवरी में थोड़ी हेल्प हो जाए। टीबी मरीज अच्छे बच्चे, बच्चों में कौन कौन बच्चे कहाँ के बच्चे? नहीं, एक्चुअली हमारे पास जो भी टीबी मरीज का इलाज अभी चल रहा है, तो ऐसे लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया है। ये एक बड़ा कार्यक्रम है, हाँ 6 लोग हमारे पास उपस्थित हैं हमारे पास, तो एक्चुअली ये अभी काफ़ी समय तक ये प्रोग्राम चलेगा, हमारे पास 20-25 दिन का ये प्रोग्राम है। आज हम लोग एक सांकेतिक रूप से इस कार्यक्रम को यहाँ शुरुआत कर रहे हैं, और इसमें सबसे खुशी की बात है कि हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं, चिकित्सक, ये अभी आगे आए हैं कि हम टीबी मरीजों को गोद लेंगे। तो आज हम लोग 6 चिकित्सक 6 टीबी मरीजों को गोद लेने का काम यहाँ पर कर रहे हैं, इसके लिए हम लोगों ने ये छोटा सा कार्यक्रम किया। और आपके साथ और कौन कौन लोग हैं अधिकारी? हमारे साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चुनार के अधीक्षक डॉक्टर राकेश पटेल जी हैं, हमारे वरिष्ठ क्षय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ओझा सर हैं, और हमारे